ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि समय अनुसार एकाग्रता की शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति वाला ही अचानक के पेपर में पास हो पाएगा। यदि अभी अभी पुरुषार्थ खत्म हो जाए तो आपकी रिजल्ट क्या होगी? पुरुषार्थ इसी तरह अचानक ही खत्म होगा। और जिस बच्चे ने स्वस्थिति के आसन पर अर्थात ऊंच स्वमान में स्थित होने का और बाप को अपने संग रखने का अभ्यास किया होगा, वो ही अचानक के पेपर में पास होगा। बच्चे सोचते हैं कि हम अचानक के पेपर में तो पास हो जाएंगे, परंतु अचानक का पेपर बहुत भयानक होगा। जिस बात में आप कमजोर हो, अचानक का पेपर उसी बात का आएगा, और वो समय स्वयं के साथ साथ बाप की याद भुलाने वाला होगा। वो समय ऐसा होगा जिसमें आप विस्मृत हो जाओगे, अर्थात आप स्वयं ही परिस्थिति में या उस समय के बहाव में इतना ज्यादा उलझ जाओगे कि स्वयं की याद और बाप की याद भूल जाएगी। परंतु जो बच्चा अभी से ही अपने ऊंच स्वमान में स्थित होने की ड्रिल बार बार कर रहा है और साथ ही साथ अशरीरी बन अपने बाप के पास घर जाने का भी पुरुषार्थ कर रहा है, अर्थात जो स्वयं को आत्मा रियलाइज कर परमात्मा बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलने का 100% अटेंशन दे रहा है, वो ही बच्चा अचानक के पेपर में बाप की मदद से पास विद ऑनर बन पाएगा। इसलिए स्मृति स्वरूप बनो, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा बार बार कह रहा है कि अचानक अचानक अचानक, तो इस बात की इम्पोर्टेंस अर्थात समय के महत्व को समझ, बाप की समझानी के महत्व को समझ पुरुषार्थ करो, अन्यथा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। अंतकाल आप अकेले हो जाओगे और वो घड़ी केवल पश्चाताप की होगी। इसलिए सोच समझ कर अपने एक एक सेकंड को सफल करो। अभी का पुरुषार्थ ही अंतिम विजय का आधार है। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.